Good morning, students. I am Manish R.K. Sahu, and today we are going to discuss about the unit number 4 of engineering mechanics, that is dynamics. So what is dynamics? Dynamics is a branch of engineering mechanics which deals with the study of a body when body is in motion. Jab body motion mein hota hai, to uski jo study karte hain, usko bolte hum dynamics. Dynamics ke do part hote hain. First hota hai kinetics and second hota hai kinematics. Kinetics mein hum body ki बॉडी जब मोशन में होता है उसकी स्टडी करते हैं, बट उसमें हम फोर्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, फोर्स की भी स्टडी करते हैं. बट काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम बॉडी मोशन में रहता है, बॉडी की स्टडी हो रही है, बट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इसकी स्टडी होती है. फोर्स का इन्वॉल्वमेंट काइनेमेटिक्स में नहीं होता है. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स. तो यूनिट नंबर 4 में हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है कि हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे. काइनेमेटिक्स यूनिट नंबर 4 को अगेन हम दो पार्ट में बांटते हैं. फर्स्ट वन जो होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, और सेकंड वन जो होता है वो होता है कर्विलिनियर मोशन. अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या है और कर्विलिनियर मोशन क्या है, इसको समझते हैं. जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे जो स्टडी हम होती है इसको बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. और जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मोशन करता है तो इसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन. फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन को, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, और उसके कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम कर्विलिनियर मोशन को देखेंगे. तो ऐसे यूनिट 4 में हमको ये दो मोशन की स्टडी अच्छे से करनी है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन. सो लेट्स स्टडी रेक्टिलिनियर मोशन. In rectilinear motion, we mainly focus on displacement, velocity, and acceleration. Right? So let's see displacement. A particle in rectilinear motion at any instant of time will occupy a certain position on the straight line. So let's draw a straight line. This is a straight line. So we have to choose some convenient reference point O, point O, and it is called origin. The distance x of the particle at any time t is called displacement of the particle. ये point O है और मेरा point P है. इस O से लेके P तक का distance जो है वो x है. This distance is x. And this is known as displacement. This is a point P. The displacement is assumed to be positive to the right hand side of the origin and negative to the left hand side. This is the positive, and this portion will be negative. So the displacement from O to P is P. Suppose there is another point P2 at a distance of x2. This is a positive x, negative x. So the displacement will be if a particle moves from O to positions P1, position P1, P1, यहां से यहां का distance x1 है मान लो, ठीक है, और O से P2 का जो distance है वो x2 है. तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कहां से कहां, O से पोजीशन P1 में, फिर पोजीशन P2 पे, मतलब O से P1 में गया फिर P2 में गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा आपका माइनस x2, लेकिन जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका 2x1 प्लस x2. ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पार्टिकल O से P1 में गया और P1 से O टू P1 एंड P1 टू P2, तो यहाँ से यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो -h2 होगा, क्योंकि O से P1 गया फिर P1 से O में आया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, -x2 ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बट डिस्टेंस जो कवर किया वो उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता, वो होगा x1 O से P1 में गया फिर वापस आया 2x1 + x2। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है आपका। अब आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक और स्केप लेंथ खींचते हैं। सपोज ये मैंने प्लेन खींचा, यहाँ पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी, एक दूसरा पॉइंट है पी डैश, और ये ओ ओरिजिन है। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है मान लो एक्स टी टाइम में, और पी से पी डैश में वो डेल्टा एक्स क्या करता है, कवर करता है। तो हमारा टाइम हुआ था टी प्लस डेल्टा टी। लेट द पोजिशन पी ऑक्यूपाइड बाई अ पार्टिकल एट एनी टाइम पी बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन ओ एंड इट गेट अ न्यू पोजिशन, लेट द इट्स पोजिशन पी डैश एट अ टाइम टी प्लस डेल्टा टी। सो द डिस्टेंस विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओ। देन द एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, वी एवरेज इज गिवन बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये था एवरेज वेलोसिटी। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम देखते हैं, ठीक है। सेम केस के लिए आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या इसको बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये आपका होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। हम देखते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है हमारा एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, लेट वी बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एनी टाइम टी, टाइम इज टी, और वेलोसिटी कुछ समय बाद बन जाता है v प्लस डेल्टा v आफ्टर सम टाइम एट अ लेटर टाइम t प्लस डेल्टा t। इस टाइम के बाद वेलोसिटी आपका ये हो जाता है, ठीक है, आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये होगा आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। एवरेज एक्सीलरेशन सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हमने देखा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर पार्टिकल इज सेट टू हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तब उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन ऑफ पार्टिकल।